विश्वास नहीं हो रहा है, इतने कुशल योद्धा मेरे भ्राता दुर्मद का वध हो गया। एक दो का नहीं, दुर्मद के साथ साथ हमारे अनेकों असुरों का वध कर दिया इस देवी ने। माता संपत्त करी की जय। माता संपत्त करी की जय। प्रणाम माता। शव बन गया, वो भी एक नारी के हाथों। तीव्र गति इसका परिचय था ना, तो लो अत्यंत तीव्र गति से अपना मरण करवाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भ्राता दुर्मद ने उन नारियों को सहजता से क्या ले लिया? आपने उनके मृत्यु के शोक को उपहास का कारण बना दिया। जो अभी यहाँ अठास कर रहे थे ना, उनकी जीवा की माला में अवश्य बनाऊंगा। और तुम मासूर सैनिक, तुम्हें तो मैं ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर कांप उठेगी। किंतु उसके पूर्व उन नारियों के दम को चूर कर उन्हें उनका उचित स्थान अवश्य दिखाऊंगा मैं। साहस है तो बात नहीं, जाकर आघात करो उन पर। असुर महानायक, मेरे ये शब्द व्यर्थ नहीं होंगे, तो आप स्वयं भी उन नारियों से मेरे प्रतिशोध के साक्षी शीघ्र ही बनेंगे। माता, मुझे अपने स्थान पर लौटने की अनुमति दीजिए। आपको अनुमति है देवी संपत्ति कर। कुरुंद, मेरा वार अवश्य सफल होगा देवी, और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने पर विवश कर देगा। ये मेरे अग्नि अस्त्र छा जाएंगे इन सब पर और नष्ट कर देंगे इन्हें और इनकी सेना को। कि मैं इस दुष्ट का वध कर सकूं। देवी संपत करी, भी संपत करी। उसका क्रोध उस पर हावी हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी अपने क्रोधावेश में आकर उसका प्रतिउत्तर दें। देखो, देखो नारियों मेरी गति को और सामना करो उसकी तीव्रता का। दुष्ट असुर ने तो जैसे अग्नि वर्षा ही आरंभ कर दी है।
अब माता की अनुमति से इस दुष्ट को उत्तर देना ही होगा। प्रणाम माता। चाहिए देवी कौतुका, मेरा आशीष आपके साथ। धन्यवाद माता। माता कौतुका, अश्वों की नियंत्रक देवी अर्थात गतिशीलता और शौर्य की देवी है। दुष्ट कुरुंद, तुम्हारे अंत का आरंभ बिन अग्नि पुंजों को बुझा कर ही करूंगी मैं। साधारण गुरुंद, तुम्हारी मृत्यु बड़े तीव्र वेग से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रही है यह अश्वसेना। इनका सामना करना सरल नहीं होगा। जाइए मंत्री कुटलाश, और वहां जो घटित हो रहा है उसकी सूचना दीजिए मुझे। योग्य महानायक। ऐसा प्रतीत हो रहा है देवी की सेना नहीं आसुरों का विनाश इस ओर आ रहा है। देवी, तुम्हारी शक्ति का सामना करूंगा मैं, और अपने भ्राता दुर्मद के वध का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरी सेना भयभीत हो रही है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। गति का बखान तुम दोनों भाता करते थे, जिसका प्रदर्शन करने की तुमने हमें चुनौती दी थी, ये वही तीव्र गति है कुरुंद। नारी को अपने सीमा में रहना ही शोभा देता है देवी। मेरे गति को चुनौती देकर तुमने अपने विनाश को आमंत्रित किया है देवी। कैसे संभव? मेरे अग्निपुंजों को अपना मार्ग कैसे बना लिया इस देवी ने? हमारी रक्षा करो। ये देवी और इनकी अश्वों से हमारा अंत कर रही है। रुको पुत्र,
संकट गंभीर है अथवा नहीं शीघ्र ही ये ज्ञात होगा मुझे, तभी मैं उसे दूर करने का उपाय नियत करूंगा। धराशाही हो गई मेरे असुर सैनिक, नष्ट हो गई मेरे सदाई संपूर्ण असुर सेना। जाओ, अभी भी समय है, लौट जाओ और जाकर सावधान करो अपने उस महानायक को, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे भ्राता का हुआ था। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे मूर्खता हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी बड़ी मूर्खता की कि अपना आक्रमण करने में इतना समय लगा दिया मैंने। ये दुष्ट असुर अपने छल कपट का कभी परित्याग नहीं करेंगे। अब ना तुम्हारा गर्जना करने वाला ये अश्वशेष रहेगा और ना ही मेरे प्रति अपमानजनक वचन बोलने वाला तुम्हारा ये मुख। इसके भ्राता दुर्मद ने माता संपत्ति करी के मुकुट को हानि पहुंचाने की मूर्खता कर अपनी मृत्यु को बुलावा भेजा था और अब इस दुष्ट कुरुंद ने भी माता कौतुका की गदा को क्षति पहुंचाकर फिर से वही भूल की। क्या हुआ देवी, इस बार तो तुम्हारी गदा ही क्षतिग्रस्त हुई है देवी, किंतु मेरे अगले वार से तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से विलक कर दूंगा मैं। नहीं मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं देवी, मैं तुम्हारे अंकुश के वार को सफल नहीं होने दूंगा। तुम सभी को जीवन दान दे रही हूं मैं, जिससे तुम अपने उस दम्भी अधर्मी महानायक असुर को माता पराशक्ति श्री माता ललिता के आगमन का उचित संदेश दे सको, जो शीघ्र ही उसकी मृत्यु बनकर उसके द्वार पर प्रकट होंगी।
भयंकर दृश्य मैंने आज देखे हैं। उनका वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु मुझे शीघ्र जाकर असुर महानायक को सावधान करना होगा। माता कौतुका देवी की, श्री माता ललिता की, माता कौतुका देवी की, श्रीम एम क्लीम सहो, ओम नमः त्रिपुरा सुंदरी, हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी। हमें शीघ्रता कर अमरपुर के राजभवन पहुंचना होगा। कदाचित अब दुर्मद और कुरुंद के अंत से सीख लेकर भंडासुर अपने चलता है के भाव को त्याग कर धर्म के मार्ग को अपना ले। उसके लिए यही उचित होगा, क्योंकि माता और उनकी सेना के रूप में उसकी ओर बढ़ते उसके महाविनाश को रोकने का एकमात्र यही उपाय है उसके पास। उन देवी के रथ से उत्पन्न होते इस प्रकाश के परे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं मैं। महानायक अनर्थ हो गया। मंत्री कुटिलाक्षी इस अवस्था में, अर्थात कुरुंद का भी अंत हुआ। असुर महानायक वो मुझे अनुमति दीजिए पिताजी, मैं भी इन सबको एक ही पल में। नहीं, तुम नहीं। किंतु असुर महानायक, वो देवी तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती हैं, और वो हमारी ओर ही आ रही हैं। अर्थात ये संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। असुर महानायक, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पूर्व में ही कहा था मैंने कि नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है, किंतु मैंने ये भूल नहीं की। उनका सामना करने का एक ऐसा उपाय है मेरे पास, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम सभी के अर्थहीन वचन बहुत सुन चुका है भंडासुर, किंतु अब तुम्हारे साथ ये समस्त संसार भंडासुर के महासुरों की गर्जना सुनेगा। हुम्बा हुम्बा कदाचित भंडासुर पूर्व से ही माता के आगमन के लिए तैयार था। कहीं इसके चरण हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए, ऐसा हो तो हम कुचल जाएंगे। बहुत भूखे होंगे ना तुम दोनों। तो प्रतीक्षा मत करो,
तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। अधर्म कितने भी प्रयोजन कर ले, उसकी सिद्धियां सत्य और धर्म के अलौकिक प्रकाश के सामने क्षीण पड़ जाती हैं।